गाइस बिग ब्रेकिंग, जेकेएसएसबी ने अपना टेंटेटिव कैलेंडर जो है वो आउट कर दिया है फॉर जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ वैकेंसीज एज वेल एज फॉर जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट वैकेंसीज, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे इवन नियर अराउंड 6 to 7 lakh स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, चाहे वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हो या क्लास फोर्थ वैकेंसीज का हो, कुल मिला के लगभग इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ है। तो जेकेएसएसबी ने उसका टेंटेटिव कैलेंडर जो है वो आउट कर दिया है। बहुत से बच्चे काफ़ी देर से कॉल्स मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे यही पूछने के लिए। तो आज की डेट में ये नोटिफिकेशन जेकेएसएसबी ने आउट किए, एक बार नज़र मारते हैं, देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है और फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँगा। देखो दोस्तों, ये आप जेकेएसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है jkssb.nic.in वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा। तो द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैज़ इशूड टेंटेटिव कैलेंडर फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस, हाउएवर ड्यू टू COVID-19 आउटब्रेक सबसिक्वेंट अनाउंसमेंट ऑफ लॉकडाउन द टेंटेटिव कैलेंडर हैज़ विदड्रॉन। तो इन्होंने बोला है पहले भी एक टेंटेटिव कैलेंडर आया था और फिर क्योंकि COVID-19 आउटब्रेक हुआ उसे विदड्रॉ किया गया। नाउ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैज़ रिव्यूड द सिचुएशन, अब उन्होंने रिव्यू की इस सिचुएशन को, ये जो COVID-19 की पेंडेमिक की चल रही थी और दूसरे एस्पेक्ट्स की, और इन्होंने फाइनली हैज़ डिसाइडेड टू नोटिफाई द रिवाइज टेंटेटिव शेड्यूल, वापस से रिवाइज किया टेंटेटिव शेड्यूल दिया है इन्होंने। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो इनका टेंटेटिव कैलेंडर था वहाँ क्लास फोर्थ वैकेंसीज और पंचायत के अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज के बारे में बात नहीं की थी, बस इन बट इस नोटिफिकेशन में उन्होंने वो बात भी की है। तो नेक्स्ट इज द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इज सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस ऑफ यूटी गवर्नमेंट, इन्होंने बोला है कि जो भी गाइडलाइंस आएगी वो इस पर लागू होती है, एंड वी शैल बी इन वॉक एट द रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम और एनी अदर इंस्ट्रक्शन दैट मे बी इशूड रिलेटिंग टू COVID-19। मीन्स इन्होंने बोला है कि जो भी COVID-19 की गाइडलाइंस वगैरह आएगी उनको फॉलो करके एग्जाम्स हो पाएंगे अगर हुए तो। ऑल द कंसर्न आर हियर बाई इन्फॉर्म टू टेक नोटिस, और ये रणजीत सिंह KS जो है इनके द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई है। डेट आप देख लीजिए, आज की डेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डेट डाली इन्होंने आज की। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं मेन पॉइंट की, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो ये पॉइंट नंबर 11, अगर मैं पॉइंट नंबर 11 की बात करूँ, ये वाला पॉइंट, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इन्होंने बोला हुआ है कि भाई जो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज ये जो वैकेंसीज है अकाउंट असिस्टेंट पंचायत की वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में, ये रिटर्न टेस्ट इसका पेंडिंग था और ये टेंटेटिव शेड्यूल के अकॉर्डिंगली होने जा रहा है 15 से 20 अक्टूबर के बीच, जो कि मैंने आपको शुरू से ही बोला है, अगर एग्ज़ाम्स जो भी होंगे होने वाले और नवंबर के अराउंड, नवंबर से आसपास जो है ये एग्ज़ाम हो सकते हैं। और देखिए 15 से 20 अक्टूबर के अराउंड एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं और अब आपको तैयारी बहुत हार्ड करनी पड़ेगी बिकॉज कम ही टाइम रह चुका है इसके लिए। और साथ ही अगर आप इसी के नीचे पॉइंट नंबर 12 देखें, मैं आपको ये भी शो कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट, जस्ट सेंग दोस्तों, ये हाँ ये वाला पॉइंट अगर आप देख पा रहे होंगे, तो पॉइंट नंबर 12 में वेरियस डिपार्टमेंट में जो क्लास फोर्थ वैकेंसीज है वेरियस कैडर्स की, जिसका रिटर्न टेस्ट पेंडिंग था वो भी 22 से 28 अक्टूबर 2020 यहाँ होने वाला है। तो ये आपका टेंटेटिव कैलेंडर है, मेनली मैं इन दो एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो एग्ज़ाम्स है ये आपको पता है इसकी नोटिफिकेशंस पहले आई थी, शुरू में आई थी, और उनके बारे में आप इस पूरी नोटिफिकेशन को रीड करोगे आइडिया हो जाएगा। तो आपको बताया जाता शुरुआत से ही कि नियर अराउंड नवंबर के अराउंड आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है नवंबर से लगभग आसपास। तो अब 15 से 20 अक्टूबर से अगर आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, हालांकि टेंटेटिव कैलेंडर है, बट आपको ये मान के चलना है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 15 से 20 अक्टूबर के बीच शुरुआत हो जाएगी उसकी। और अगर ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अब आपको तैयारी जो है बहुत हार्ड करनी पड़ेगी। देखो आज जो तारीख है लगभग 17-18 तारीख है आज, और नियर अराउंड एक ही महीना रह गया हुआ है, और एक महीने में आपको रिवीजन भी करनी है, अनडाउटली एक बड़ा टास्क होगा आप सबके लिए। और कुछ जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है, हमारी कोशिश रहेगी कि उनको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए आपके इस यूट्यूब चैनल विंग्स एक उड़ान के ज़रिए। और मैंने आपको शुरू से बोला क्योंकि इनका लेंथी सिलेबस है, तो आप 90% हटो, जितना आप सिलेबस पढ़ के जा सकते हो आपको जाना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है। तो जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया है, आपको अकाउंटेंसी एंड बुककीपिंग जो है वो किरण जी सर ने काफ़ी नियरली 90% जो है वो कंप्लीट करवा दी है। 2-3 टॉपिक्स जो रिमेनिंग थे आपको पता है, वो शोएब सर जो है वो जैसे ही वो आते हैं, क्योंकि अभी वो बिजी है कुछ शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, जैसे ही वो आते हैं वो कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद आपका पॉलिटी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फिजिक्स कंप्लीट है, देन आपका मैथ्स भी शुरू हुआ है, कंप्यूटर्स जो है वो भी किसी हद तक कंप्लीट किया गया है। बट जितने रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि दिन की 2-2 वीडियोस आपको मिलेगी, मैथ्स की एक कंप्यूटर्स की, और केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है, काफ़ी आपके जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट है। और जो नहीं हुए हैं मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, वो अब हमारी कोशिश रहेगी जो आपका महीना रहेगा इसमें जितनी ज़्यादा वीडियोज़ हम अपलोड कर सकें वो हम करेंगे। अब आपको तैयारी करनी है। देखो दोस्तों, अब सभी को
एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा सुबह से लेकर शाम तक का, पिछला रिवीजन भी करना है, और क्योंकि अगर आपको नई चीज़ें पढ़नी उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा, तो एक शेड्यूल बनाइए। कोशिश करें सुबह 6 से जो 10 बजे का टाइम होता है 4 घंटे बहुत मायने रखते हैं, इसमें प्रोडक्टिव काम करें, देन 1-2 घंटे की रेस्ट लो, उसके बाद 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक प्रोडक्टिव काम करो, फिर रेस्ट लो 4 से 6 बजे तक, और 6 से रात के 10 बजे तक वापस से पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रात को तैयारी करते हैं, देर रात तक पढ़ते हैं और सुबह लेट उठते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि 11-12 बजे के करीब सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं 5-6 बजे। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैं खुद इस कैटेगरी में फॉल करता था जहाँ पे मैं जल्दी सोता था बट सुबह जल्दी उठता था, बिकॉज आपको बताया जाता है सुबह जो हमारा माइंड होता है बहुत फ्रेश होता है, नई चीज़ें हम ग्रैस्प कर सकते हैं। तो ये थी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आज के लिए। देखो अभी इन्होंने टेंटेटिव कैलेंडर बोला है बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा आपको ये लेके चलना है कि इन डेट्स के आसपास आपका एग्जाम जो है वो हो सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, जो भी आपके टॉपिक्स रिमेनिंग है वो भी आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे जो भी आने वाले दिनों में। तो दोस्तों रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। शुक्रिया।